हे गाइस, वेलकम इन माय चैनल एंजॉय कुकिंग एंड लर्निंग। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं पम्पकिन पूड़ी विद पोटैटो सब्जी, मिष्टी कुमड़ा भी जिसे बोलते हैं और मीठी कद्दू भी जिसे बोलते हैं, और हाल आलू की सूखी सब्जी। तो उसके लिए देखिए, मैंने मिष्टी कुमड़ा लिया है, मीठी कद्दू जो होती है येल्लो वाली, जो कद्दू जो कि बिल्कुल पपीते के जैसे लगती है, पपाया के जैसी, उसे हमने पीछे का हिस्सा छील लिया है और रख लिया है। इसे कद्दूकस करेंगे। उससे पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल के सामने रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा है, उस पर क्लिक कीजिए फ्रेंड्स। फिर बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक कीजिए फ्रेंड्स और ऑल कर दीजिए, ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप पहले से मेरे चैनल पे हैं और ये कर रखे हैं तो आप इसे स्किप कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 2 कप आटा लिया है, आप देख सकते हैं इसमें मैंने 2 कप आटा लिया है। और ये मैंने 4 बड़ा चम्मच सूजी लिया है, और ये धनिया पत्ती लिया है मैंने, और ये हमने जो कद्दू कद्दू कस करके रखा है वो देखिए, आप देख सकते हैं बहुत ही महीन मैंने किया है, बहुत अच्छे से। और ये मैंने 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, ये हल्दी पाउडर लिया है मैंने, ये नमक लिया है मैंने 1/2 चम्मच, और ये लिया है मैंने अजवाइन, आप देख सकते हैं, जिसे मैंने क्रश करके रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग शुरू करते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ सूजी, तो ये देखिए मैं सूजी इसमें ऐड कर दी हूँ, सूजी मैंने डाल दिया इसमें। अब हम लोग डालेंगे ये मिर्ची पाउडर, तो ये मैंने मिर्ची पाउडर भी इसमें डाल दिया। अब हम लोग हल्दी डालेंगे, तो हल्दी भी हम लोग डाल दिए हैं, और ये अजवाइन जिसे मैंने क्रश करके रखा है थोड़ा सा, आप इसे क्रश करके डालिएगा, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा आपका। और ये नमक इसे भी मैंने डाल दिया है, और ये धनिया पत्ती जो हमने रखा था इसे भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ फ्रेंड्स, सारा धनिया पत्ती इसमें मैं डाल दे रही हूँ, इससे फ्लेवर आपको बहुत बेहतरीन आने वाला, आप इसे ज़रूर बनाइएगा। आप इसे बना के एक बार ज़रूर देखिए, ये बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही टेस्टी बनती है इसकी पूड़ी। तो आप इसे एक बार बनाएंगे तो ज़रूर आप बोलेंगे कि ये रियली बहुत अच्छा है। और बाकी जो हमने ये रखा हुआ है इसे मैं इसमें डाल दे रही हूँ फ्रेंड्स, और इन सबको अच्छे से हम लोग फिर मिक्स कर देंगे और एक हार्ड सा डो तैयार करेंगे, जैसा हमारा पूड़ी का डो होता है, जस्ट लाइक वैसा ही हमें डो तैयार करना है। तो इस तरह से करके आप इसे डो तैयार कर लीजिए। आप इसमें थोड़ा सा तेल भी ऐड कर सकते हैं, वो मैं लास्ट में ऐड करूँगी। तो इस तरह से करके हम लोग पहले इसे अच्छे से सान लेंगे हार्ड सा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आटा सान लिया है, हमारा डो बिल्कुल रेडी है। इसमें मैंने 2 बड़ा चम्मच तेल भी ऐड किया था सानने के समय, और 1/4 कप मुझे पानी लगा है इसे सानने के लिए। तो मैं इसे सान कर अब इसे साइड में करके ढक करके रख दूंगी फ्रेंड्स। तो आप भी इसे इस तरह से इसको ढक दीजिए, इस तरह से मैं इसे ढक रही हूँ, इस तरह से मैं ढक रही हूँ और ढक कर इसे साइड कर रही हूँ। तो 10 से 15 मिनट के लिए इसे हम छोड़ देंगे फ्रेंड्स। अब चलिए हम लोग आगे का आलू का सब्जी बनाते हैं, ऐसी सब्जी जिसे जिसका स्वाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। मैं बिल्कुल आलू का बहुत ही टेस्टी सूखा सब्जी बनाने वाली हूँ, तो देखिए जो कि इस पूड़ी के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। मसाला के लिए मैंने देखिए 2 हरा मिर्च लिया है, और ये मैंने 1 चम्मच जीरा लिया है, और साबुत जीरा, और ये मैंने गोल मिर्च ली है, 6-7 दाने सॉरी। अब इसे हम लोग मिक्सी में अच्छे से पीस लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आलू लिया है और ये प्याज लिया है 2 बड़ा मैंने काट के, ये थोड़ा सा धनिया पत्ती और थोड़ा सा उसका डंठल लिया है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आने वाला है। और ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 2 बड़ा चम्मच, और ये मैंने आपको जो दिखाया जीरा गोल मिर्च और मिर्ची है, इसे भी मैंने मिक्सी में पीस लिया है। और ये मैं 1 टमाटर ली हूँ, इसे मैं चॉप कर लूँगी छोटा छोटा। तो ये देखिए हमारा तेल गर्म पैन गर्म हो चुका है, अब इसमें हम लोग तेल डालेंगे। ये मैंने तेल लिया है और थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ तेल, थोड़ा सा इसमें तेल ज़्यादा लगेगा फ्रेंड्स, इसलिए मैं इसमें 2 चम्मच तेल ली हूँ, 2 बड़ा चम्मच मैंने तेल ऐड किया है, डाला है इसमें। अब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें हम लोग, अब जब ये हमारा गर्म हो चुका है तेल, तो मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ फ्रेंड्स, और इसे हम लोग अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छा से हो रहा है, गर्म हो चुका है ना। और हम लोग इसमें प्याज डालेंगे, तो ये देखिए मैंने जो प्याज चॉप करके रखा था उसे मैं डाल दी हूँ, और इसे मैं ऐसे फ्राई कर रही हूँ। तो इसे हम लोग अच्छे से फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा इसे गोल्डन ब्राउन करना है फ्रेंड्स, ताकि आपका सब्जी का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इससे। तो हम लोग इसे अच्छे से कुक करेंगे, मैं इसे मीडियम आंच पे इसे कुक करने वाली हूँ, देख सकते हैं। थोड़ा सा पक रही है, अब इसमें मैंने अदरक लहसुन का जो पेस्ट बनाया था उसे मैं इसमें ऐड कर दी हूँ,
और इसे भी अब हम लोग अच्छे से फ्राई करेंगे और पकाएंगे इसमें, ताकि इसका कच्चापन चला जाए। तो देखिए आप देख सकते हैं, अब इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, तो मैंने आधा चम्मच नमक डाला है इसमें, और इसे भी हम लोग अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब जब ये पक गया है थोड़ा सा, तो मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ। 1/4 स्पून मैंने हल्दी डाला है इसमें, एक चुटकी और मैंने ऐड किया 1/4 स्पून के अलावा, क्योंकि मुझे लगा थोड़ा सा और इसमें कलर होना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा और ऐड कर दी हूँ। और ये मसाला जो हमने पीसा था, जीरा, गोल मिर्च और मिर्च का, वो भी मैं इसमें ऐड कर दी हूँ, और उसे भी मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। अगर आप आलू नहीं उबालते हैं फ्रेंड्स, तो ये सब प्रोसेस आपको आलू के साथ करना पड़ेगा, आलू स्टार्टिंग में ही डालना पड़ेगा। और ये मैंने टमाटर को चॉप कर लिया है, इसे भी मैं ऐड कर दी हूँ इसमें। जो फ्रेंड्स मैंने आलू को उबाल लिया है थोड़ा सा, और उसे छील कर काट लिया है। आप भी थोड़ा आलू उबाल के छील के काट करके उसके बाद ये सब्ज़ी बनाइएगा, बहुत अच्छी बनेगी आपकी सब्ज़ी। तो ये देखिए हम लोग टमाटर को मिला दिए हैं, और इसे थोड़ा सा ढक कर गलने देंगे टमाटर को। तो ये देखिए हमारा टमाटर जो है वो गल चुका है अच्छे से, आप देख सकते हैं कि हमारा टमाटर पूरी तरह से गल चुका है ना, बहुत सुंदर। अब इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है फ्रेंड्स, तो अब आप इस धनिया पाउडर को अच्छे से मिला दीजिए, और इसे भी थोड़ा सा फ्राई कीजिए, ताकि इसका भी कच्चापन निकल जाए, और धनिया पाउडर का स्मेल बहुत ही अच्छा आता है फ्राई होने के बाद। धनिया पाउडर बहुत ही अच्छा स्मेल देगा आपको। अब देखिए ये हमारा मसाला अच्छे से, धनिया पाउडर भी फ्राई हो चुका है फ्रेंड्स। इस तरह से आप अपने स्पैचुला से इसको दबा दबा करके थोड़ा सा तोड़ फोड़ दीजिए, ताकि इसका ग्रेवी जो है बहुत अच्छा बने। तो ये देखिए अब मैं इसमें आलू ऐड करने जा रही हूँ, जिसे मैंने उबाल कर छील कर दो बड़े बड़े हिस्सों में काट लिया है। छोटा छोटा मीडियम साइज़ का आलू मैं ली थी, और उसे मैं काट ली हूँ दो दो भाग में। और इस पर अब हम लोग मसाले का कोटिंग करेंगे, जो हम लोगों ने फ्राई करके रखा है तैयार करके। तो ये देखिए बहुत अच्छे से हमें इसे कोटिंग करना है इसके ऊपर, मिला लीजिए आप भी इसी तरह से कोटिंग करके। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए। ये देखिए मैंने मसाला का जो पानी है वो ऐड किया है, जिस मिक्सी में मसाला पीसे थे उसमें थोड़ा सा पानी डालकर मैंने हिलाकर निकाल लिया था, तो वही हमारा मसाला का पानी हो गया। तो ये देखिए हमारा मिक्स हो चुका है, अब इसे मैं लीड लगा कर थोड़ा देर तक पकने दूंगी। ये देखिए पकने के बाद 5 मिनट मैंने इसे फिर ढककर पकाया है फ्रेंड्स, और ये पूरी तरह से सूख गई है। और आलू की सब्ज़ी हमारी, आलू की सूखी सब्ज़ी, ये देखिए फ्रेंड्स हमारी सब्ज़ी बहुत अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी डालूंगी, और इसे थोड़ा सा गीला बनाऊंगी, ताकि हम लोग को इसे पूरी में खाने में बहुत अच्छा लगे। ये देखिए मैंने इसे इतना सा थोड़ा सा पानी दिया है, और मैं इसमें डाल रही हूँ, देखती हूँ कि पानी परफेक्ट है या थोड़ा और लगेगा मुझे। तो मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा सा मुझे और पानी लगेगा, मुझे इसमें बहुत ज्यादा ग्रेवी नहीं दिख रहा है। मैं उसी कप से और कप दे रही हूँ, मैंने टोटल 100 ml पानी दिया है, टोटल 100 ml पानी डाला है फ्रेंड्स। तो ये इस तरह से हमें गीला रखना है, धीमी आंच पे 7 मिनट पकने देंगे फिर।
और इसी समय मैंने जो बहुत ही अच्छा धनिया का डंटल काट के रखा है फ्रेंड्स, जिससे हमारा फ्लेवर बहुत अच्छे आने वाला है, उसे भी मैं इसी में इसी समय ऐड कर दूंगी। और पत्तियों को मैं रहने दूंगी, उसे मैं बाद में ऐड करूंगी। ये जो डंठल है इसे मैं अभी ऐड करूंगी ताकि इसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छे से आ जाए। और इसे फिर ढककर हम लोग 5 मिनट रहने देंगे, उसके बाद इसे बंद कर देंगे और पूरी छानकर इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। थोड़ा सा ऐड कर, ये देखिए फ्रेंड्स हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है। हमें इतना ही गीला रखना है, इसे ज्यादा हमें गीला या कम गीला नहीं रखना है। तो चलिए अब इसे हम लोग थोड़ा सा धनिया स्प्रेड कर देते हैं इसके ऊपर और इसे बंद कर देते हैं। और अब आगे का प्रोसेस करते हैं, हम लोग पूरी छानते हैं फ्रेंड्स। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, ये तो हो गया। इसे हम लोग ढक के साइड कर देते हैं। कटोरी में तेल लिया है और थोड़ा सा मैं तेल में इसे डिप करके इसे बेल लूँगी पूरी के जैसा ही। तेल में मैं इसलिए कर रही हूँ फ्रेंड्स क्योंकि अगर आप आटा लगाते हैं इसमें, तो आप जब तेल में इस पूरी को डालेंगे तो हमारी तेल जो है बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा तेल ही लगाती हूँ और इसे बेल ली हूँ। अब इसे हम लोग इस तरह से करके 2-3 बेल लेंगे और फिर इसे तेल में छान लेंगे। ये बहुत अच्छी बनती है फ्रेंड्स। ये देखिए छोटी सी लोई लेनी है जैसे पूरी की होती है, हाथ में लगाइए और इसे गोल गोल कीजिए और बस आप इसे बेल लीजिए इस तरह से। बहुत सुंदर, हमारा तेल भी गर्म हो चुका होगा अब तक। तो ये देखिए इस तरह का ही आप पूरी बनाना, ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही बढ़िया बनता है। तो ये देखिए हमारा पूरी, इसमें आप दिख भी रहा होगा जो हम लोगों ने डाला है मीठी कद्दू कद्दूकस करके, वो भी इसमें दिख रहा है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमें अब मैं ये 2-3-4 इसी तरह से बना लूँगी। आप भी एक बार में कम से कम 3 से 4 पूरी बेल लीजिए और तेल जब गर्म हो तब उसमें फटाफट 3-4 छान लीजिए एक बार में। तो ये देखिए हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब इसमें हम लोग डालेंगे। तो ये देखिए हमारा पूरी तेल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है और हमारा पूरी अच्छे से इसमें छलार चुका है, तैर रहा है आप देख सकते हैं। तो बस यही करना है फ्रेंड्स, हमें पूरी बहुत अच्छी फूली है हमारी। ये देखिए हमारी पूरी फूल चुकी है बहुत सुंदर से, है ना। ये देखिए बहुत सुंदर फूली है, इसे दोनों साइड से हम लोग थोड़ा सा रेड कर लेंगे और फिर इसे निकाल लेंगे और बाकी पूड़ियों को भी हम लोग इसी तरह से छान लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने किचन टिश्यू रखा है एक प्लेट में करके और उसी किचन टिश्यू पे हम लोग पूड़ी निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने दूसरी पूड़ी भी डाल दी है और इसे भी हम लोग उसी तरह से सेम प्रोसेस से पका लेंगे, बहुत ही सुंदर है ना। इस तरह से आप दबा दबा कर इसे थोड़ा सा फुला लीजिए, ये बहुत अच्छे से फूल जाएगी, है ना। देखिए बहुत सुंदर बनी है, इसका एक टेस्ट बहुत ही अजीब सा होता है फ्रेंड्स। मतलब आपको नमकीन भी थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा सा स्वीट भी लगेगा, थोड़ा सा अलग तरह का पूरी, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और ये बंगाल में इजीली मिल जाता है आपकी मीठी कद्दू जो है, तो इसे आप ज़रूर बनाइए, बहुत ही अच्छी बनती है। सो हम लोगों ने पूरी बना लिया है और मैंने प्लेट में देखे सर्व करके निकाल दिया है। आलू की सूखी सब्जी और हमारे मिष्टी कुमड़ा की पूरी, तो आप भी इंजॉय कीजिए, बनाइए और इसे खाइए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।